यदि आपने मैलेट कैसे बनाए भाग दूसरा देखा है तो अब आप एक खुला मॉर्टिस बनाना शुरू कर सकते हैं जिसके अंदर हैंडल जाएगा। चरण पहला, सिर पर टेपर का निशान लगाना। हैंडल के तिरछे हिस्से को सिर की ऊपरी हिस्से के बीच में रखें। दोनों ओर देखने के लिए फुटे का प्रयोग करें। सिर की सतह पर हैंडल के टेपर का निशान लगाएं। गुनिये और पेंसिल की सहायता से सिर के चारों ओर लाइन लेकर जाएं। मॉर्टिस गेज को मैलेट के हैंडल की मोटाई के बराबर सेट करें। सिर के ऊपर मॉर्टिस गेज को अनुमान से बीच में रखें और इसे तब तक ठीक करें जब तक दोनों ओर से बराबर नहीं हो जाते। सिर पर मॉर्टिस गेज को बीच में रखते हुए इसके पेच को कसे और दो निशान लगाएं। पेंसिल की सहायता से उन्हें गहरा करें। सिर के ऊपरी हिस्से पर मॉर्टिस की चौड़ाई के निशानों के बीच में मॉर्टिस की मोटाई के निशान लगाएं। पेंसिल की सहायता से खींचे गई लाइन गहरी करें। दूसरी ओर भी इसी तरह दोहराएं। चरण दूसरा, गाइड ब्लॉक तैयार करना। मॉर्टिस को चौरसी से काटने से पहले एक छोटा गाइड ब्लॉक बनाएं ताकि जिस कोण पर हैंडल तिरछा है वह बना रहे। हैंडल के टेपर पर सेट किए गए स्लाइडिंग बेवल या चांदी के साथ निशान लगाते हुए बची हुई सतहों में से एक सतह काटें। यह साइड चौरासी से काटने के लिए संदर्भ बनाने में सहायता करेगी। एकदम सही कोण को बनाए रखते हुए लाइन के साथ साथ आरी से काटें। गाइड ब्लॉक का प्रयोग चौरासी से काटने के अंतिम चरण में किया जाएगा। चरण तीसरा, मॉर्टिस को चौरासी से काटना। शुरू करने के लिए मैलेट के सिर को सिकंजे में कसे और मॉर्टिस की छोटी साइड को चौरसी से काटना शुरू करें। आप मॉर्टिस चौरसी या बेवल एज चौरसी का प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर किया गया है। मॉर्टिस की दीवार की ओर चौरसी की चपटी साइड रखते हुए किनारों पर फिनिशिंग करने के लिए थोड़ी लकड़ी छोड़ें। एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते हुए तब तक काम करें जब तक आप लगभग 2 इंच काट नहीं लेते हैं। अब मुंह के किनारे पर गाइड ब्लॉक इस तरह से रखें कि यह मॉर्टिस के लिए बनाए गए टेपर से मिले। ब्लॉक को उसकी जगह पर अच्छे से कसे। गाइड ब्लॉक के साथ चौरसे की चपटी साइड पकड़े और मॉर्टिस के अंदर तक कोण को आगे तक लेकर जाए। दूसरी दीवार पर भी इसी तरह दोहराए। अब सिर को दूसरी सतह की ओर घुमाए और तब तक इसी तरह से दोहराए जब तक मॉर्टिस दूसरी ओर निकल नहीं जाता। फिनिशिंग के लिए साइडों पर थोड़ी लकड़ी छोड़े। गाइड ब्लॉक को तिरछे साइड के साथ मिलाते हुए कसे और कोण को मॉर्टिस के अंदर तक बढ़ाए। मॉर्टिस की दीवारों को साफ और एक समान बनाने के लिए उनके साथ बड़ी चौरासी की चपटी साइड का प्रयोग करें। सिर को शिकंजे में इस तरह से कसे कि मॉर्टिस लेटा हुआ हो। ऊपर की ओर सतह काटने के लिए बड़ी चौरासी का प्रयोग तब तक करें जब तक यह एक समान न हो जाए। साफ चिकनी फिनिश के लिए फाइल का प्रयोग करें। दूसरी ओर लकड़ी घुमाएं और तब तक इसी तरह से दोहराएं जब तक मॉर्टिस के अंदर की सभी दीवारें एक समान फिनिश की नहीं होती। चरण चौथा, फिनिशिंग। अंतिम चरण में मैलेट के सिर के किनारों को तिरछा करना शामिल है ताकि चोट करने पर यह उखड़े नहीं। किनारों पर रेशों की दिशा में तिरछा करने के लिए गुटका रंधे का प्रयोग करें। सिरे के किनारों को मोटी रेती की सहायता से आकार दें। चिकनी फिनिश के लिए मोटी रेती के बाद फाइल का प्रयोग करें। मैलेट के सिर को एक और से शिकंजे में कसे और देखने के लिए सिर के अंदर हैंडल को मॉर्टिस से घुमाएं। बल लगाने के लिए आप मैलेट का प्रयोग कर सकते हैं ताकि हैंडल अच्छे से अंदर चला जाए लेकिन बहुत अधिक अंदर नहीं। मैलेट को टेबल पर रखें और पेंसिल और फुटे का प्रयोग करते हुए हैंडल की मनचाही लंबाई का निशान लगाएं। यहाँ हमने सिर के निचले हिस्से से 10.5 इंच लिया है। गुनिये और पेंसिल का प्रयोग करते हुए निशान को सभी ओर ले जाए। हैंडल और शिकंजे में कसे और हैंडल की अतिरिक्त लकड़ी काटकर निकाले। हैंडल के किनारों को तिरछा या गोल बनाने के लिए तब तक स्पोक शेव का प्रयोग करें जब तक इसे आराम से पकड़ा न जाए।
सिरे के किनारों पर मोटी रेती और फाइल का प्रयोग किया जा सकता है। अब आपने बढ़ाई के मैलेट को बनाना सीख लिया है।